तेलंगाना सरकार ने उठाया बड़ा कदम, कोरोना मरीजों के लिए लॉन्च की संजीवनी परियोजना, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करनाल से शुरुआत की गई। हिसार में किसानों का बड़ा आंदोलन, हार्ट अटैक से किसान की मौत, राकेश टिकैत का ऐलान, बोले आ गए हैं तो केस निपटा के चलेंगे। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर हरियाणा कांग्रेस ने उठाए सवाल, कुमारी शैलजा बोली सरकार दवाओं के नाम पर सिर्फ आश्वासन दे रही। और दूसरी लहर गृहणियों के लिए खतरनाक, हरियाणा में कोरोना से मौत का ऑडिट, 7 दिन में 20,000 से ज्यादा महिलाएं संक्रमित। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है, इसके साथ ही डेलॉयट ग्लोबल के सहयोग से पीपीपी मॉडल पर परियोजना शुरू हुई, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करनाल से शुरुआत हुई, अन्य जिलों में विस्तार की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही अब मरीजों को घर पर जांच और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। और इसके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना से अस्पतालों पर बोझ कम पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत लोगों का इलाज घरों पर किया जाएगा, घर में आइसोलेट मरीजों को होम केयर वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करना जरूरी है, हमारे पास बेड की कमी है, हम हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं, हम सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं जनता की सेवा करने के लिए हैं। कोरोना के थर्ड वेव के लिए हमें तैयार रहना होगा, अभी हमारे सामने कई चुनौतियां हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। आज के इस कार्यक्रम को मैं कह सकता हूँ कि आज की एक बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। 2 वर्ष पहले कभी इस प्रकार की कोई आवश्यकता हमको महसूस ही नहीं हुई कि इस प्रकार के हमको फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंटीग्रेटेड इस प्रकार का वन सॉल्यूशन कार्यक्रम भी ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम में हमें आवश्यकता पड़ सकती है। अगर 2 वर्ष पहले हमारा विचार होता था तो प्रायोरिटी का जो हमारा सेक्टर था उसको माना जाता था, एजुकेशन इज द मोस्ट प्रायोरिटी का जो हमारा सेक्टर है, लेकिन आज ये लगता है कि कहीं हेल्थ केयर हैज बिकम द मोस्ट हमारा प्रायर सेक्टर, चाहे हम इससे पहले भी इसको कोई बहुत कम महत्व का क्षेत्र नहीं मानते थे, लेकिन जैसे देश और दुनिया में, केवल हरियाणा ही नहीं पूरा देश पूरी दुनिया जिस प्रकार से किसी एक ऐसी बीमारी में से महामारी में से गुजर रहा है, तो लगता है कहीं ना कहीं मानवता पर भी संकट है। अगर हम सब सुरक्षित रहेंगे तो बाकी सारी चीजें भी हमारे काम आएंगी। तो इसलिए जो एक हमारा जो जनरेशन इस समय चल रहा है, इस जनरेशन को इस प्रकार की महामारी कभी देखी नहीं थी, सुनी थी हमने कभी, प्लेग की एक महामारी आज से 100 साल पहले इस देश में फैली थी, लेकिन केवल कहानियां देखी सुनी थी। आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ऐसे बड़े संकट को जब हमने झेला है तो जो हमारी वर्तमान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का था वो देखा कि बहुत कम पड़ गया। पहली वेव ये आई थी पिछले वर्ष और वो ठीक मार्च में ही वो शुरू हुई थी, और इन मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर उसका जो पीक आया था, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वो पीक भी शायद प्रतिदिन का मैक्सिमम 3100 कोविड पॉजिटिव और मेंबर्स कोविड पॉजिटिव जो मरीज हैं वो हमको देखने को मिले थे, और कुल मिलाकर जो एक्टिव पेशेंट्स भी कितने रहे होंगे, 30-32 हजार, 22 हजार, हाँ तुम्हारे राजीव जी पीक पर 22 हजार। और आज हमारे सामने चैलेंजेस और भी हैं। एक चैलेंज है कि जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं वो भी एक चैलेंज है, एक चैलेंज है थर्ड वेव, ये भी एक चैलेंज जो बताया जा रहा है। मैं कहता हूँ, आशा करता हूँ कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन हमेशा कहता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो।
अगर मानो थर्ड वेव आती है और इससे ज्यादा भयंकर आती है तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना होगा। आज इस COVID-19 के सारे सिस्टम को, इसमें से लोगों को बाहर निकालना, जिसके लिए आज ये कार्यक्रम जो सारा किया गया है, जिसको मैं कहता हूँ, जिसको संजीवनी परियोजना, एक इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है। लगभग 20,000 बेड्स तो हमारे ऑक्सीजन के बेड्स, चाहे उसमें वेंटिलेटर्स और ICUs पहले से हैं और उसमें आज पर्याप्त खाली भी हैं, और साथ ही जो कोविड सेंटर्स, कोविड केयर सेंटर्स हैं उसमें भी अतिरिक्त 30,000 बेड्स ये हमने उपलब्ध करा रखे हैं लोगों को। अभी गाँव के अंदर भी आइसोलेशन सेंटर्स में अलग से 30,000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। फिर हमने ऑक्सीजन का संकट एक आया था उसमें से भी पार पा लिया, ऑक्सीजन का संकट, हमने उसकी राशनिंग भी की, लेकिन धीरे धीरे सारे देश में प्रयत्न करने के बाद ऑक्सीजन का हमने बहुत दूर दूर से अपने यहाँ यानी इम्पोर्ट करने का भी काम किया। हरियाणा में ऑक्सीजन बनती है, फिर भी जो हरियाणा और उत्तरी भारत के राज्य थे उसमें ऑक्सीजन पूरी नहीं होती थी, हमने उसको जामनगर से मंगवाया, हमने उसको उड़ीसा से मंगवाया, जितने हमारे सेंटर्स हैं, रुड़की है, भिवाड़ी है, ऐसे सब सेंटर्स से ऑक्सीजन ला करके। हमारी आवश्यकता तो भले 400 मीट्रिक टन से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन हमने अपना 300 मीट्रिक टन के अंदर अंदर उसका राशनिंग करके उसका काम चलाया। आज पोजीशन ठीक अच्छी है। हिसार में हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान सुबह क्रांतिमान पार्क में पहुंचे। प्रदर्शन में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आ गए हैं तो केस तो निपटा के चलेंगे, इनका आगे तक का दिमाग ठीक करेंगे। वहीं क्रांतिमान पार्क पहुंचे किसान रामचंद्र खरब की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे SDM जगदीप सिंह ने किसान नेता सुरेश कूथ ने कहा कि DC से दोबारा बात कर लें, जिम्मेदारी लें, नहीं तो यहीं पर आपके कपड़े उतार देंगे। इसके पहले सिरसा फतेहाबाद की ओर से आने वाले किसान लांधड़ी टोल प्लाजा पर एकत्रित हुए। लोहारू बहल की ओर से आने वाले किसान चौधरीवास टोल और जींद की तरफ से आने वाले किसान बरवाला होते हुए वाड़ोपट्टी टोल पर पहुंचे। रोहतक दादरी और हांसी की ओर से आने वाले किसान रामायण टोल प्लाजा पर एकत्रित हुए। इसी किसान आंदोलन को संबोधित करते हुए दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगमा ने कहा कि किसानों पर मुकदमे दर्ज करना हरियाणा सरकार की घिनौनी हरकत है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पंचायत में समझौता होने के बाद भी किसानों पर दर्ज किए मुकदमे, इसीलिए हर हाल में उनको वापस करना होगा। आज जो किसान इकट्ठा हो रहा है, ये हिसार के प्रशासन की वजह से इकट्ठा हो रहा है। पिछली 16 तारीख में मुख्यमंत्री आया था यहाँ, एक टेम्परेरी कोविड हॉस्पिटल के नाम से एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बना था उसका उद्घाटन करने के लिए। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम 2 बजे का था, जबकि वो 11 बजे आके चला गया। किसान उसका विरोध करने के लिए गए हुए थे, मगर वहाँ पर किसानों के साथ धोखा किया गया। अगर मुख्यमंत्री 11 बजे आके जा लेता है तो प्रशासन को नहीं सारे नाके हटा देने चाहिए थे और 5 किसानों को दिखा देना चाहिए था कि मुख्यमंत्री आके जा चुका, किसान नारे लगा के वापिस आ जाते। मगर हुआ क्या कि हिसार के प्रशासन ने जानबूझ करके गुमराह करते हुए नाके लगाए रखे, किसानों के साथ ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि टकराव, वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, उनके ऊपर लाठियां चलाएगी। हमारी माता बहनों के ऊपर इतना भयंकर लाठी चार्ज किया गया कि वो बहुत ज्यादा किसान घायल हो गए और किसानों के ऊपर ही मुकदमे दर्ज कर दिए। जब किसान नेताओं की राय जी के साथ एक मीटिंग होती है और मीटिंग हरियाणा में 15 से 20 जून के बीच 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। दरअसल रविवार को 12वीं की परीक्षाओं को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और सभी बोर्ड के अधिकारियों के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें सभी राज्य के शिक्षा मंत्री ने अपने राज्यों की स्थिति के अनुसार सुझाव दिए। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया, हम परीक्षाओं को लेकर तैयार हैं। पहले 1 जून से 12वीं की परीक्षाओं को करवाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कोरोना के चलते बदल दिया गया। अब 15 से 20 जून के बीच ये परीक्षाएं होंगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मेरा मानना है जो हमारे विद्यार्थी हैं उसमें काफी तनाव है इस बात को लेकर कि परीक्षाएं कब होंगी। मेरा मानना है कि पेपर होने चाहिए, इस प्रकार की स्थिति इस प्रदेश की है, उस परिस्थितियों के अनुसार पेपर होने चाहिए। जहां तक हमारे प्रदेश की स्थिति है, हमने पहले 1 जून से पेपर होने की घोषणा की, लेकिन COVID-19 की वजह से कुछ समस्याएं आई जिसके बाद उसमें बदलाव किया गया। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को देश के राज्यों के शिक्षा मंत्री, बोर्ड सचिव, चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई। इस दौरान 12वीं की परीक्षा कराने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन मेन सब्जेक्ट की परीक्षा थी, लेकिन CBSE ने कहा कि 3 महीने का प्रोसेस है, तो दूसरा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है जो कि 1.5 घंटे की होगी। डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा बोर्ड दूसरे ऑप्शन के साथ है। जिस स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्टूडेंट उसी स्कूल में परीक्षा देंगे। इसके अलावा कोई छात्र किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता तो उनकी परीक्षा बाद में होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कोविड महामारी की परिस्थिति ध्यान में करते हुए 12वीं की परीक्षाएं किस प्रकार ली जाएं, इस पर चर्चा करने हेतु आज एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें प्रत्येक राज्य के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव एवं बोर्ड चेयरमैनों को आमंत्रित किया गया था। उसमें 2 प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। एक मेन सब्जेक्ट की परीक्षा ले ली जाए, लेकिन उसके लिए CBSE ने बताया कि 3 महीने का ये प्रोसेस है। और दूसरा ये बताया, दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि ऑब्जेक्टिव टाइप 1.5 घंटे की परीक्षा विद्यार्थियों के ही स्कूल से ले ली जाए और जो विद्यार्थी रह गए हैं उनकी परीक्षा दोबारा से ले ली जाए। तो माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी ने आज हरियाणा की जब बारी आई तो उस समय बताते उन्होंने कहा कि हम दूसरी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र लिया जाएगा और विद्यार्थियों को उन्हीं के अपने स्कूल के परीक्षा केंद्र अलॉट किए जाएंगे। कुछ विद्यार्थी जो कोरोना महामारी, हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा केंद्र के पास जैसे जैसे इंजेक्शन आ रहे हैं वो सभी प्रदेशों को दे रहे हैं। अभी हमें 550 वायल्स आई थी, 600 हमने खुद अरेंज की, तो हमें आज काफी मात्रा में इंजेक्शन मिलने की उम्मीद है। इस दौरान उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर भी निशाना साधा। केंद्र से अब जैसे जैसे उनके पास आ रही है सारे प्रदेशों में वो दे रहे हैं, और परसों हमें 550 वायल्स आई थी, उससे पहले 600 वायल्स हमने खुद अरेंज की थी, और उम्मीद है कि आज हमें
अच्छी मात्रा में इंजेक्शन मिलेंगे। देखिए अभी जो है जो पॉजिटिविटी रेट है अभी 9% के पास है, जब तक वो 5 से नीचे ना आ जाए तब तक ज़्यादा ढील दी नहीं जा सकती है। तो ये भी दुकानदारों की इच्छा को देखते हुए थोड़ा टाइम खोलने की इजाज़त दी है, वरना अभी आप देखें दिल्ली में लॉकडाउन है पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है पूरी तरह से, तो सब कुछ सोच समझ के ही किया जा रहा है। अगर सुरजेवाला जी तो सटक गए हैं और बेतुके बयानबाजी कर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, हम रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो है रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3-4% बढ़ जाता है, और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना को मात दे चुके लोगों में ब्लैक फंगस के लक्षण मिल रहे थे, लेकिन अब बिना संक्रमित लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। फतेहाबाद के गांव नाढोड़ी निवासी व्यक्ति
ब्लैक फंगस आशंकित मिला है। हालत नाजुक होने के कारण मरीज को अग्रोहा मेडिकल रेफर किया गया। जिले में अभी तक ब्लैक फंगस आशंकित 9 मरीज मिल चुके हैं और एक की मौत हो चुकी है। नागरिक अस्पताल के ENT डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि रविवार को गांव नाढोड़ी निवासी व्यक्ति ब्लैक फंगस आशंकित मिला है। मरीज ने बताया कि 13 मई को उसके चेहरे और नाक के पास दर्द शुरू हुआ, जो कि धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया और सूजन आ गई। नाक, चेहरे और आंख के पास सूजन आ गई। मरीज ने करीब एक माह पहले कोरोना जांच करवाई थी, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं गांव हंसपुर के रहने वाले 68 वर्षीय बुजुर्ग ब्लैक फंगस का आशंकित मिला है, जिसकी चिकित्सक जांच चल रही है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज अपने अपने कार्यालय में खड़े होकर पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया और उनकी पत्नी शांति पहाड़िया के निधन पर 2 मिनट का मौन रखते हुए दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्यपाल आर्य के साथ उनके सचिव अतुल द्विवेदी थे। पहाड़िया का निधन 20 मई को और उनकी पत्नी शांति पहाड़िया का देहांत 23 मई को हुआ था। दोनों कोरोना से पीड़ित थे और गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। पहाड़िया ने 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल के रूप में प्रदेश के लोगों की सेवा की। वे राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी रहे थे। इसी तरह शांति पहाड़िया अपने जीवन में राजनीति में सक्रिय रही। उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में और विधायिका के रूप में जन सेवा का कार्य। हरियाणा में आज से ऑड इवन फॉर्मूले पर सरकार द्वारा व्यापारियों को राहत देते हुए सुबह 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए, जिसको लेकर व्यापारियों ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। हालांकि व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भाटिया ने लॉकडाउन को लेकर होने वाली अगली घोषणा में व्यापारियों के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। लॉकडाउन के चलते जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर तमाम मार्केट बंद पड़ी थी, लेकिन कल सरकार ने नई घोषणा के तहत लॉकडाउन को बढ़ाते हुए बाजार में ऑड इवन फॉर्मूले पर सुबह 7 से दोपहर 12 तक दुकानें खोलने की छूट दी, जिसका दुकानदारों और व्यापार मंडल ने स्वागत किया और दोपहर 12 बजते ही सभी अपनी दुकानें बंद करके अपने घर लौट गए। लेकिन व्यापारी छूट की सीमा को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आए। उनका कहना था कि इस समय में बदलाव कर सुबह 10 बजे से शाम के 5 से 6 बजे तक दुकानों को खोलने की छूट दी जानी चाहिए। देखो, व्यापारी तो संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। उनको 24 घंटे छूट मिले तब भी छूट संतुष्ट हो सकता है, मगर जो आज की डेट में कोरोना महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए सरकार ने 7 से 12 बजे तक टाइम दिया है। उसमें अपने को सेफ रखते हुए और अपने ग्राहकों को सेफ रखते हुए ये कार्य करना चाहिए और हम आगे भी ये चाहेंगे ये ऐसे। तो व्यापारियों को गाइडलाइंस के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश व्यापार मंडल की तरफ से दिए गए हैं? नहीं, हमने व्यापारियों को एक ही बात कही है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों को ध्यान रखें और बिना मास्क के किसी ग्राहक को एंट्री ना दें, बिना सैनिटाइजर के एंट्री ना दें। और जो इस सरकार ने हमें छूट दी है 7 से 12 बजे, हम सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि आगे के लिए अगले हफ्ते अगर हमारे केस कम होते हैं तो हमारे टाइमिंग बढ़ाई जाए। नए फार्मूले से एक महीना पूरा हो गया घर में बैठे बैठे, रूटीन चलाना भी सबका मुश्किल है, स्टाफ भी है, सब लोग छोटे दुकानदार भी बड़े सारे परेशान हो रहे थे, रूटीन नहीं चल रही। तो डीसी साहब, और इसी बीच इस वक्त की अहम खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। देश को कोरोना के जो केस हैं वो देश में लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। देश में फैले कोरोना वायरस की रफ्तार को रोकने के लिए चलाई गई वैक्सीनेशन प्रक्रिया में एक बार फिर से कुछ बदलाव किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार अब 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जो जरूरत थी वो अब नहीं पड़ेगी, यानी कि बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के अब वैक्सीन को लगाया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लेते हुए ये अहम ऐलान किया है, ये अहम जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ऑनलाइन में हो रही बुकिंग के कारण महीने के अंत में कई वैक्सीन बर्बाद हो रही थी, क्योंकि कई लोग वक्त लेने के बाद भी वैक्सीन सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसीलिए अब मंत्रालय ने 18 से लेकर 44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए इस सेवा की शुरुआत की है।
सर, हर बार आप ये आंकड़े बताते हैं, सारी चीजें अच्छी हो रही है बताते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि कितने बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में, और कितने बच्चों की मौत हुई, क्योंकि बार बार माइल्ड होता कहा जाता है, आंकड़े नहीं बताए गए आज तक, आंकड़े क्या है सर? सर हम जैसे आप देख रहे हैं कि हम कई बार इंटरप्रिटेशन के आंकड़े जो आपको बताते हैं, कुछ आंकड़े हम आपको एक दिन बताते हैं, दूसरे दिन हम कुछ और आंकड़े बताते हैं। आइडिया ये होता है कि हम ओवरऑल बिगर पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करें। इससे पहले इसी फोरम में बताया गया है कि चाहे वो फर्स्ट वेव रही हो चाहे वो सेकेंड वेव रही हो, लेवल ऑफ इन्फेक्शन ऑन डिफरेंट एज ग्रुप्स हैज रिमेन्ड सेम। यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन के रूप में फिगर्स के साथ ही एक्सप्लेन किया गया था। अगर आप चाहें तो हम दोबारा से वे फिगर्स अपडेटेड फिगर्स के साथ आपके सामने ला सकते हैं। हम आपको फिर से ही बताना चाहेंगे, जैसे कि डायरेक्टर एम साहब ने बताया आपको, कि ओवरऑल जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन स्प्रेड का जो पैटर्न पिछली बार था वेव वन में, वही पैटर्न वेव टू में भी पाया गया है। साथ ही यह भी पाया गया है कंटिन्यूड बेसिस पर कि जो फेटैलिटी है, मॉर्टैलिटी है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज इज प्राइमरली ऑन 60 प्लस पीपल एज वेल एज पीपल जिनको पहले से कोई को एग्जिस्टिंग बीमारियां, जिसको हम को मॉर्बिडिटी कहते हैं, वह है। और ये तो कुल मिलाकर संक्रमण की जो रफ्तार है उस पर अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की, सभी अपने अपने स्तर पर कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि पहले के मुकाबले कोविड 19 पर लगाम लगा है और आंकड़ों में तेजी के साथ गिरावट देखी जा रही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही मामला हरियाणा के अंबाला जिले से सामने आया, जहां पर पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश किया जो कि कोरोना वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था। पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। हालांकि इस बाबत पकड़े गए मुख्य आरोपी ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। 21/4/2021 को कैंट थाने में एक मुकदमा दर्ज किया था नकली या रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़ने का, वो बाद में नकली साबित हुए। उसके अलावा इसमें 399 इंजेक्शन और पकड़े गए थे जिसकी तफ्तीश CIA-1 के द्वारा की जा रही थी। अभी तक उस मुकदमे में 11 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं और आज भी एक दलप्रीत नाम का आदमी गिरफ्तार किया है, जिसकी नालागढ़ हिमाचल में फैक्ट्री है दवाइयों की। उसको कल कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे और किस प्रकार से कहां से वो ये इंजेक्शन बना रहा था या बनवा रहा था उसकी तफ्तीश की जाएगी। कहां से प्रूव हुआ है कि वो मेरे यहाँ? कहां से प्रूव हुआ है मेरे यहाँ? पुलिस का कहना है कि आपकी फैक्ट्री से बनाए जा रहे हैं। नहीं, मेरी फैक्ट्री से नहीं बनाए जा रहे। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा